अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए GTA San Andreas का जोनी सुपर हीरो मोड। दोस्तों इस मोड का गेम प्ले आपने इसी वीडियो के शुरू में देख लिया होगा। अब बात करते हैं किस तरह से हम इस मोड को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों सबसे पहले तो आपने इस मोड को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करेंगे, इसी वीडियो के नीचे आपको इस मोड का लिंक मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको इस मोड के स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस मोड के और भी कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको इस मोड का यूजिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, इन कंट्रोल्स को अच्छी तरह से आपने रीड कर लेना है और आप इन कंट्रोल्स को अच्छी तरह से रीड करके इस मोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस पेज को और स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको दो डाउनलोड बटन मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों डाउनलोड बटन में से किसी भी डाउनलोड बटन पर क्लिक करके आप मोड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मीडिया फायर का लिंक भी मिलेगा और गूगल ड्राइव का लिंक भी मिलेगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं गूगल ड्राइव से डाउनलोड करूंगा तो गूगल ड्राइव के लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप गूगल ड्राइव या मीडिया फायर के लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये जो ऐड आपको शो हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपने ऊपर क्लिक कर देना है इसके URL के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आपने इसके URL को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ठीक है, इस पेज को, और यहाँ पर दोस्तों पेस्ट ऐड लिंक हेयर पर आपने क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आपने इस ऐड के URL को पेस्ट कर देना है और सबमिट ऐड लिंक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपने कुछ देर वेट कर लेना है और उसके बाद आपने गो टू लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप गो टू लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से गूगल ड्राइव का लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपने सिंपली डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इस मोड को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इस मोड को डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह की जिप फाइल आपको मिल जाएगी। सिंपली आपने इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर पर आपने क्लिक कर देना है। कुछ ही देर में आपका मूड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मूड एक्सट्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरह का फोल्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आपने चले जाना है और इन सारी फाइल्स को आपने कॉपी करना है और GTA San Andreas के फोल्डर में जाकर इन्हें पेस्ट कर देना है। ठीक है, जहाँ पर भी आपने GTA San Andreas को इंस्टॉल किया हुआ है आपने वहाँ पर जाकर इन्हें पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास डेस्कटॉप पर इस तरह का लॉन्चर मौजूद है तो आपने उस पर राइट क्लिक करना है और ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है तो आप GTA San Andreas के फोल्डर में चले जाएंगे। अगर डेस्कटॉप पर लॉन्चर मौजूद नहीं है तो जिस तरह से आप GTA San Andreas को ओपन करने जाते हैं आपने उस फोल्डर के अंदर चले जाना है और GTA San Andreas के लॉन्चर पर राइट क्लिक करना है, सेंड टू पर क्लिक करना है, डेस्कटॉप क्रिएट अ शॉर्टकट पर आपने क्लिक कर देना है और आपका डेस्कटॉप पर लॉन्चर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं GTA San Andreas के फोल्डर में आ चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने इन सारी फाइल को पेस्ट कर देना है। दोस्तों फाइल पेस्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, आपने रिप्लेस भी कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोड GTA San Andreas में इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं GTA San Andreas को ओपन करके जोनी मोड का गेम प्ले आपको दिखाता हूँ और यूजिंग भी बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं GTA San Andreas को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि GTA San Andreas मेरे पास ओपन हो चुका है और हमारा मोड भी इस गेम में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप इस मोड को किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जोनी मोड को एक्टिव करने के लिए अपने कीबोर्ड पर टाइप करना है JONE जोन। दोस्तों जैसे ही आप जोन को टाइप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से जोनी मोड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप इसकी पावर वगैरह को किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जैसे आप वाई के बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, वाई के बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ये जो है वो ब्लास्ट करेगा, यानी इसकी ये जो है वो सुपर पावर आपको मिल जाएगी वाई के बटन को प्रेस करते ही। ठीक है, पहली पावर तो इसकी ये हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे आप आर के बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये जो है वो ब्लास्ट करेगा, दूसरी पावर ये है। ठीक है, आर के बटन को प्रेस करते ही, ठीक है, तो आप इस पावर को भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे आप टी के बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ये जो है वो कुछ इस तरह से आग वगैरह फेंकने लगेगा। ठीक है, टी के बटन को प्रेस करते ही, ठीक है, ये जो है वो आग वगैरह फेंकने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों
जैसे आप किसी भी गाड़ी के पास जाकर जेड के बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, और उसी टाइम उसे आप छोड़ देते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये जो है वो सुपर पंच मारेगा, ठीक है, यानी इसे भी ब्लास्ट करेगा, जेड के बटन को प्रेस करते ही ब्लास्ट कर देगा, ठीक है, सुपर पंच मार के, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये जो है वो आप इसकी पावर वगैरह को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप जोनी मोड को यानी जोनी को उड़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने शिफ्ट और एक्स के बटन को प्रेस करते जाना है, ठीक है, 2-3 बार आपने प्रेस करना है, ठीक है, आपके सामने ये जो है वो कुछ इस तरह से उड़ने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसे फ्लाई कैसे करवा सकते हैं, उड़ा कैसे सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो आपने अपने कीबोर्ड पर W के बटन को प्रेस करना है, और साथ ही आपने अपने माउस से ऊपर नीचे करते जाना है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये जो है वो फ्लाई करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस मोड की सारी पावर देख ली, और यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से आप इस मोड को उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो और ये मोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी मोड वगैरह चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उस मोड का नाम बताएं, मैं आपके मोड पर लाजमी से वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।